हेलो स्टूडेंट्स, चलो एक्सरसाइज 1.3 में क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ते। अ सीमेंट कंपनी अर्न्स अ प्रॉफिट ऑफ ₹8 पर बैग ऑफ वाइट सीमेंट एंड अ लॉस ऑफ ₹5 पर बैग ऑफ ग्रे सीमेंट सॉल्ट। ठीक है, हमें क्या कहा गया है कि अगर एक सीमेंट फैक्ट्री वाइट सीमेंट की एक बैग बेचती है तो उसको प्रॉफिट कितने रुपीज का होता है? ₹8 का। ठीक है, एंड जब ग्रे सीमेंट बेची जाती है एक बैग, तो उसके अंदर ₹5 का लॉस हो जाता है। ठीक है, तो हमें टर्म ए हमारा दिया गया है, द कंपनी सेल्स 3000 बैग्स ऑफ वाइट सीमेंट एंड 5000 बैग्स ऑफ ग्रे सीमेंट इन अ मंथ, व्हाट इज द प्रॉफिट टू लॉस। चलो फाइंड करते हैं। सबसे पहले तो जो हमें दिया गया है वो लिख देते हैं। क्या दिया गया है? प्रॉफिट ऑफ वन बैग ऑफ वाइट सीमेंट कितना है? प्रॉफिट ₹8 का। चलो लॉस ऑफ वन बैग ऑफ ग्रे सीमेंट वो हमें कितना दिया गया है? ₹5। ठीक है, चलो जो भी हमें ए वाला टर्म दिया गया है, जब 3000 वाइट सीमेंट की बैग एंड 5000 ग्रे सीमेंट की बैग जब सॉल्ट की जाए तब कितना प्रॉफिट या कितना लॉस होगा। ठीक है, चलो फाइंड करते हैं। प्रॉफिट अगर हम फाइंड करना चाहे तो चलो प्रॉफिट ऑन सेलिंग 3000 वाइट सीमेंट वाइट सीमेंट बैग जब बेची जाएगी तब कितना होगा? तो 3000 सीमेंट की नंबर थी, कितनी बैग है सीमेंट की। ठीक है, मल्टीप्लाई करके उसके साथ प्रॉफिट, तो प्रॉफिट कितना होता है? ₹8 का पर बैग। हमारे पास टोटल 3000 बैग है तो इसको 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर हमारा कितना आएगा? तो 3 8 24 and 30 1 2 30। चलो इतना हो गया। अब ये तो बात होगी प्रॉफिट की, अब लॉस फाइंड कर लेते हैं। लॉस ऑन सेलिंग 5000 बैग्स ऑफ ग्रे सीमेंट। ठीक है, हमें तो पता ही है ग्रे सीमेंट पे क्या हो रहा है, लॉस। तो कितना लॉस होगा? तो टोटल नंबर ऑफ बैग है 5000, मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका लॉस कितना होता है? ₹5 का, यानी कि मल्टीप्लाई भी 5। चलो 5 5 ज़ा 25 एंड 30। चलो इतना हो गया। अब यहाँ पे हमें सिंपली सामने ही दिख रहा है, देखो ये प्रॉफिट था, ये लॉस है, तो बिगर अमाउंट किसका है? ऑब्वियसली लॉस का ही अमाउंट ज़्यादा हो रहा है, 25000। तो हम लिखेंगे लॉस इज ग्रेटर देन प्रॉफिट। ओके, लॉस जो है वो प्रॉफिट से भी ज़्यादा हो रहा है, यानी कि ये पूरी जो डील हो रही थी सीमेंट की बैग की, उसके अंदर क्या हो रहा था? टोटल लॉस हो रहा था। तो कितना? तो देयरफॉर हिज टोटल लॉस ऑन सेलिंग ग्रे सीमेंट बैग
तो टोटल कितना हो रहा है, तो चलो फाइन कर लेते हैं, इज इक्वल टू लॉस माइनस प्रॉफिट। तो लॉस कितना 25,000 माइनस प्रॉफिट कितना हो रहा है 24,000। ठीक है, लॉस 25,000 था एंड प्रॉफिट 24,000 था, तो 25,000 में से 24,000 चले जाएगा, कितना बचेगा, ओनली रुपीज 1,000। तो ये हमारा आंसर हो गया। चलो नेक्स्ट बी वाला देखते हैं। What is the number of white cement bag is must sell to have neither profit nor loss? If the number of grey bags sold is 6,400 bags, बच्चो क्वेश्चन ध्यान से समझना, हमें ये कहा गया है कि व्हाइट सीमेंट की कितनी बैग बेची जाएगी यानी कि सोल्ड की जाएगी तब जाके प्रॉफिट और लॉस दोनों में से कुछ भी ना हो। पर हमें इंफॉर्मेशन में क्या दिया गया है, तो ग्रे सीमेंट की जो बैग है वो 6,400 बैग्स बेची जा रही है। ठीक है, यानी कि ग्रे सीमेंट तो इतनी बेचनी ही है, लेकिन व्हाइट सीमेंट कितनी बेचनी पड़ेगी जिससे प्रॉफिट भी ना हो लॉस भी ना हो। ठीक है, तो आपको सबसे पहले इतनी जो है 6,400 ग्रे सीमेंट की बैग, उससे आपको टोटल लॉस फाइंड कर लेना पड़ेगा। अब जितना लॉस होता है उतना ही सामने प्रॉफिट व्हाइट सीमेंट की बैग से मिलेगा आपको, तो उतने ही अमाउंट के व्हाइट सीमेंट की बैग का प्रॉफिट काउंट कर लो। अब उसके ऊपर से उतने अमाउंट में कितनी व्हाइट सीमेंट की बैग बेची जा सकती है आप वो फाइंड कर सकते हो। ठीक है, चलो स्टेप बाय चेक करते हैं। लेट द नंबर ऑफ bags of white cement, okay, तो वो फिलहाल हमें नहीं पता है, तो हम उसे क्या कर लेंगे, सपोज कर लेंगे x। ठीक है, x एक वेरिएबल है, हमारे पास white cement की bag के नंबर हमें नहीं पता था, तो इसलिए हमने सिर्फ सपोज कर लिया है as x। चलो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या कहा गया है, लॉस जितना हो रहा है वो कितना होना चाहिए प्रॉफिट के बराबर। ठीक है, आपको तो यहाँ पे ये बोला गया है कि नाइदर प्रॉफिट नॉर लॉस, यानी प्रॉफिट भी नहीं होना चाहिए लॉस भी नहीं होना चाहिए, तो ये सिर्फ एक ही कंडीशन में होता है। ठीक है, जब लॉस एंड प्रॉफिट दोनों इक्वल हो, तो हमने वो ले लिया। हाँ, एक दूसरा ऑप्शन भी है सर, अगर हम कुछ भी ना ही बेचे, ना ही वाइट सीमेंट सेल करें ना ही ग्रे सीमेंट सेल करें, तो भी ऐसा हो सकता है, प्रॉफिट भी नहीं होगा लॉस भी नहीं होगा। लेकिन बच्चों बिजनेस तो करना ही पड़ेगा, तो आपको इस टाइप का बिजनेस करना है कि जिससे लॉस भी ना हो प्रॉफिट भी ना हो। ठीक है, तो इस हिसाब से क्या करेंगे, तो लॉस एंड प्रॉफिट इक्वल हो रहे तो हम क्या करते हैं, लॉस टोटल कितना होगा, तो हमें यहाँ पे पता है एक सीमेंट की बैग पे 5 रुपीज़ का लॉस हो रहा था, ऐसी कितनी टोटल बैग है यहाँ पे ग्रे सीमेंट की 6,400। तो लॉस कितना होगा, तो 6,400 टोटल बैग थी, उसको मल्टीप्लाई करेंगे लॉस अमाउंट के साथ, तो लॉस अमाउंट था 5 रुपीज़, इज इक्वल टू कितना होगा, तो प्रॉफिट के बराबर। अब प्रॉफिट के लिए हमारे पास नंबर ऑफ बैग वाइट सीमेंट की कितनी है x, उसको मल्टीप्लाई करेंगे उसके प्रॉफिट के साथ, तो प्रॉफिट हमारे पास कितना होता था पर बैग 8 रुपीज़ का, चलो तो मल्टीप्लाई विथ 8। अब बच्चों ये सिंपल हो चुका है, 6,400 यहाँ पे है, उसे एज इट इज रहने दो, मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल टू, यहाँ पे आपके पास ये वेरिएबल है और ये न्यूमेरल है। ठीक है, तो वेरिएबल की जब वैल्यू आपको फाइंड करनी हो, तब उसको इक्वल के कोई भी एक साइड, या तो राइट साइड या तो लेफ्ट साइड, उसे क्या करना पड़ेगा, अकेला कर देना पड़ेगा। तो उसके साथ जो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में 8 है, हम उसको कहाँ ले जाएंगे, इक्वल टू के सामने की ओर। तो यहाँ पे 8
मल्टीप्लिकेशन में है सामने जाएगा तो डिवीजन में आ जाएगा, सिंपल। चलो अब यहाँ पे क्या हो गया, एक्स आपको अकेला मिल गया। चलो तो एक्स इज इक्वल टू कितना मिलेगा आपको, एक्स इज इक्वल टू तो 6400 मल्टीप्लाई 5 डिवाइड बाई 8। अब अगर आप कट करना चाहो तो दो जीरो को थोड़ी देर साइड में रख दो, लास्ट दो जीरो को, तो 8 8 64 बराबर। चलो इसके ऊपर से आपको क्या मिला, तो 800 मल्टीप्लाई 5 डिवाइड वाला 8 तो कट हो गया, तो आंसर कितना रहेगा, तो 8 5 40 और दो जीरो तो थे ही, लगा दो पीछे दो जीरो। तो बच्चों ये वैल्यू हमें किसकी मिली है, तो देखो इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू यहाँ की सभी जगह इक्वल टू है, तो ये वैल्यू एक्स की जो है वो आप डायरेक्टली इसे रिप्रेजेंट कर सकते हो। देयरफॉर एक्स इज इक्वल टू 4000। ठीक है बच्चों, तो अब एक्स हमने किसके लिए सपोज किया था, नंबर ऑफ बैग ऑफ वाइट सीमेंट बी द एक्स, यानी कि ये जो आंसर मिला आपको वो नंबर ऑफ बैग ऑफ वाइट सीमेंट है, यानी कि वाइट सीमेंट की कितनी बैग होनी चाहिए ये उसका आंसर है। ठीक है, तो वाइट सीमेंट की टोटल 4000 बैग लेनी पड़ेगी। चलो आगे क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। रिप्लेस द ब्लैंक विद एन इंटीजर टू मेक इट अ ट्रू स्टेटमेंट। चलो हमें फिलिंग द ब्लैंक्स में आंसर लिखना है, बहुत ही सिंपल है बच्चों, सिर्फ मल्टीप्लिकेशन के ही टर्म दिए गए हैं। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, -3 मल्टीप्लाई हो रहा है अननोन नंबर और आंसर कितना आ रहा है 27। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान से देखो, 27 हमारा पॉजिटिव है और यहाँ पे 3 जो है वो हमारा नेगेटिव है। तो सबसे पहले तो नंबर बना लो, 27 जो बनाने वो, जो 3 को कौन से नंबर के साथ मल्टीप्लाई करने से 27 बनेगा, तो सर ये तो सिंपल है, 3 9 27। ठीक है, अब आगे क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ पे ध्यान देखो, ये माइनस है, अगर ये 9 हम पॉजिटिव लेंगे तो नेगेटिव एंड पॉजिटिव दोनों मल्टीप्लाई होकर क्या आंसर मिलेगा, नेगेटिव, लेकिन यहाँ पे हमारा आंसर पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव आंसर सिर्फ दो कंडीशन में ही होते हैं, जब दोनों पॉजिटिव नंबर्स मल्टीप्लाई हो तब आंसर पॉजिटिव मिलेगा, और जब दोनों नेगेटिव हो तब आंसर हमें पॉजिटिव मिलेगा। तो यहाँ पे ये 9 जो था वो भी आपका कैसा होना चाहिए, नेगेटिव, यानी कि दोनों नेगेटिव नंबर का मल्टीप्लीकेशन पॉजिटिव नंबर मिलेगा और 3 9 27 हो जाएगा। सेम एज इट इज हियर, 5 मल्टीप्लाई विथ ब्लैंक इज इक्वल टू -35। 35 आंसर लाना है तो 5 को कौन से नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 7 के साथ, आंसर हमारा नेगेटिव है, यहाँ पे 5 हमारा पॉजिटिव। नेगेटिव आंसर कब मिलता है, जब एक नंबर पॉजिटिव और दूसरा नंबर नेगेटिव उन दोनों का मल्टीप्लीकेशन हो तब आंसर हमें नेगेटिव मिलता है। ठीक है, 5 तो ऑलरेडी पॉजिटिव है तो 7 हमारा क्या होगा, नेगेटिव। चलो सिंपल, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है 8 और आंसर आ रहा है 56, तो याद रखो सिंपल है, 7 8 56 आंसर हमारा नेगेटिव है, यानी कि इन दोनों में से कोई भी एक ही हमारा नेगेटिव होना चाहिए, जो 8 अभी है ही। ठीक है, तो ये हमारा आंसर 7 डायरेक्टली हो गया। चलो 132 दिया गया है, 12 के साथ कौन सा नंबर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बच्चों यहाँ पे अगर आपको डायरेक्टली मल्टीप्लीकेशन के टर्म समझ में नहीं आ रहे तो आप सिंपल स्टेप एक कर सकते हो। चलो पहले आंसर वेरीफाई कर लेते, 12 है तो 12 को हम 11 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तब जाके आंसर हमारा 132 आएगा। ठीक है, ये नेगेटिव, आंसर हमारा पॉजिटिव आ रहा है, तो पॉजिटिव आने के लिए अगर ये भी नेगेटिव है तो दूसरा नंबर भी हमारा कैसा होना चाहिए, नेगेटिव, ये आंसर करेक्ट है। अब बच्चों अगर आपको समझ में ना आए कि ये 12 को कौन से नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना है, सर आपने तो डायरेक्टली बोल दिया 11, तो हमें कैसे पता चलेगा कि 11 ही आएगा, तो एक सिंपल स्टेप है, यहाँ पे आंसर जो आ रहा है 132 उसको डिवाइड कर लो, यहाँ पे जो नंबर है मल्टीप्लिकेशन के टर्म में उस नंबर के साथ डिवाइड कर लो, 12 1 12, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर आएगा 1, ऊपर से 12 2 नीचे आ जाएगा, वापस 12 12 1 12, सब्ट्रैक्ट कर दो 0 0 हो गया। तो 12 को, यानी कि इस नंबर 12 को
11 के साथ मल्टीप्लाई जब किया जाएगा तब आंसर आपका क्या आएगा, 132 आ गया। 132 आंसर 11 के साथ मल्टीप्लाई करो, दोनों नेगेटिव हो गए तो ही आंसर पॉजिटिव आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये एक्सरसाइज हमारी ख़त्म होती है। नेक्स्ट एक्सरसाइज हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे।